अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट नरगिस शाहिद। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, देसी और मजे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सबकी ही फेवरेट होती है। और इस रेसिपी का नाम है आलू के पराठे। आलू के पराठे तो सभी शौक से खाते हैं, तो चलिए आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम पराठे की फिलिंग रेडी करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए और उन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। पील आउट करने के बाद उसे मैश कर लिया। मैश करने के बाद अभी इसके अंदर यहाँ पे तकरीबन एक खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे, हरा धनिया, हरे धनिए का इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तकरीबन आधा कप चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसके साथ ही आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच जीरा पाउडर, बहुत ही कम और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी हम फोक की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ फिलिंग तैयार है। अभी आपको बताते हैं कि आपने इसके पराठे कैसे बनाने। स्टैंडर्ड साइज की जो रोटी होती है, आप उतना आटा लें और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करके छोटी छोटी बॉल्स बना लें। बॉल्स बनाने के बाद अभी इस तरह से आप उसे बेल लें एक रोटी की शेप में, और इसी तरह से जो दोनों बॉल्स होंगी उसे आपने रोटी की शेप में बेल लेना है। ज्यादा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल साइज का करना है। देखिए, जो आपने रोटी बेलनी है उसका साइज ये होना चाहिए। अभी हम एक लेकर उसके ऊपर जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो लगाएंगे और अच्छी तरह से साइड से बिल्कुल कवर करना है। इस तरह से लगाने के बाद अभी जो दूसरी रोटी थी वो इसके ऊपर रख देंगे और साइड को हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि आपस में चिपक जाए। अगर ये नहीं चिपकेंगे अच्छी तरह से तो यहाँ से जो हमने फिलिंग की है वो बाहर निकलेगी और हमारा जो पराठा है वो टोटली खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने हाथों की मदद से प्रेस करते जाना है। अभी एक मरतबा जो ड्राई आटा है वो इसके ऊपर लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलने का आपको मेथड बताती चलूं कि पहले आपने कॉर्नर्स को बेलना है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से क्लोज हो जाएंगे। जब कॉर्नर्स क्लोज होंगे फिर हम उसके बाद सेंटर से इसे बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में पराठा रेडी हो चुका है। अभी आपको बताते हैं कि आपने कुक कैसे करना है। फ्राई करने के लिए अभी इस तरह से हम तवा लेंगे और ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद ये जो हमने पराठा रेडी किया था वो इसके ऊपर डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए ये ऊपर से डार्क होना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि ये एक साइड से पक चुका है। अभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए एक साइड से कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अभी लाइट सा कुक इसे दूसरी साइड से भी करेंगे। देखिए ये दूसरी साइड से भी पक चुका है अच्छी तरह से। क्योंकि हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो मैं जो घर का बना हुआ मक्खन होता है वो यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। मक्खन डालने के बाद दोबारा से इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हमने पराठे को कुक बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर करना है, क्योंकि अगर आप जरा भी तेज करेंगे तो ये जल जाएगा और बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कलर आ जाएगा और टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसी वजह से बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इसे फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और लुक में ही कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा फ्राई दूसरी साइड से भी करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हल्का सा क्रिस्प आ जाए। अभी हम आंच को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने सब पराठे रेडी कर। तो बहुत ही मजेदार और देसी स्टाइल में क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ आप इसे 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप को प्रेस करके उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यूज लास्ट में दें। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।